वेल हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रूफ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली सिड नास के केस में। वो लोगों को कितने भी प्रूफ दे दो, लेकिन हर दम कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ प्रूफ ही मांगते रहते हैं। तो एक और प्रूफ हम उनके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल इस बात पर उठ रहे थे कि टोनी कक्कर शहनाज गिल के साथ नहीं है इस गाने में, वो नहीं काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये शहनाज गिल का जो सॉन्ग है उसी का है टोनी कक्कर का। और यहाँ पर भी आप देखेंगे इस पिक्चर में भी शहनाज गिल और प्रसाद साथ में हैं। इसके बाद कई पिक्चर और हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें टोनी कक्कर आपको शहनाज नज़र आएगी। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि ये जो दोनों ने मिलके किया है, ये वाला सॉन्ग होगा, जी हाँ, पार्टी से रिलेटेड ये सॉन्ग होगा। बहुत ही सुंदर इसमें शहनाज का लुक आने वाला है। शहनाज ने दो ड्रेसेस चेंज की हैं, ये भी हम आपको बता दें। और रात दिन की मेहनत के बाद, डेढ़ दिन लगातार काम करने के बाद शहनाज ने इस गाने को शूट किया है, जी हाँ। और डॉल की तरह इसमें शहनाज का लुक होगा। सॉन्ग का नेम जो है वो काला काला है। और ये देखिए, काफ़ी सारे पिक्चर्स और भी हमने आपको दिखा दी प्रूफ्स के नाम पर। तो जो लोग प्रूफ मांग रहे थे कि टोनी कक्कर शहनाज गिल के साथ सॉन्ग में नहीं है, तो टोनी कक्कर हैं। बस अब आप इस चीज़ का इंतज़ार कीजिए कि धमाल कितना ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आपने देखा है कि टोनी कक्कर के जो भी सॉन्ग्स होते हैं वो पार्टी थीम्स पे मोस्टली होते हैं और बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होते हैं, जैसा कि अभी गोवा वाले बीच पर आपने देखा था। वेल, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको इस सॉन्ग का कितना ज़्यादा है इंतज़ार। वेल, टिल देन बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।